उदाहरण सात, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ धन x² ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। हल हम देखेंगे, हल के लिए हम भाज्य में लिखेंगे 2x³ धन x² ऋण 5x धन 2, यह हमारा भाज्य है और भाजक जो है वो है हमारा x धन 2। इसको हमको भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले x को ऐसी किस संख्या से यहाँ गुणा करें जिससे हमें 2x³ प्राप्त हो। तो चूंकि यहाँ 2 है तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे और x को जब हम x² से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 2x³। उसी तरह से धन 2 को जब हम 2x² से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा धन 4x² 2। अब इसे घटा चिन्ह को जब हम बदलेंगे तो हमें 2x³ में से ऋण 2x³ करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा और धन 1x² ऋण 4x² को जब हम इसे घटाएंगे तो हमें ऋण 3x² प्राप्त होगा। ऋण 5x को हम नीचे उतारेंगे और धन 2 को भी नीचे उतार लिए। अब x को ऐसी किस संख्या से यहाँ गुणा करें जिससे हमें ऋण 3x² प्राप्त हो। तो हमें ऋण 3 चाहिए इसीलिए हम यहाँ पे ऋण 3 लिखेंगे और ऋण 3 को जब हम x से गुणा करेंगे तो ऋण 3x आएगा। इसके लिए हम ऋण 3x को जब हम x से गुणा करेंगे तो हमें ऋण 3x² प्राप्त होगा। अब पुनः धन 2 को हम ऋण 3x से गुणा करेंगे तो धन गुणित ऋण ऋण और 2 × 6x यहाँ ये प्राप्त हुआ। अब इसका चिन्ह नीचे वाली चिन्ह बदलेंगे हम। चिन्ह जब बदलेगा तो ऋण 3x² धन 3x² में शून्य प्राप्त होगा और ऋण 5x धन 6x बराबर हमें x मिलेगा धन 2। अब x को ऐसी किस संख्या से हम यहाँ गुणा करें ताकि हमें x मिले। x को जब हम धन 1 से गुणा करेंगे तो हमें x गुणित धन 1 बराबर x प्राप्त होगा और धन 2 को पुनः धन 1 से गुणा करने पर हमें धन 2 पुनः मिला। अब इसे घटाने के लिए चिन्ह विपरीत होगा, धन का ऋण और ऋण का धन। तो x ऋण x यहाँ शून्य मिला और धन 3 धन 2 ऋण 2 बराबर शून्य। स्पष्टता शेषफल शून्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा शेषफल शून्य है। करके देखें, बहुपद x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग को गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा x धन y से भाग दीजिए।